नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग सक्सेस में। सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 200 बेस्ट करंट अफेयर्स फरवरी 2020 के अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो पूरे के पूरे क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी के सभी क्वेश्चन लिए गए हैं अफेयर क्लाउड से। तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करोगे 30 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, 30 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा पूरे साल के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन पैक ले रहे हो उसका। सभी PDFs उसके अंदर आपको मंथली, वीकली और बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस पूरी की पूरी एक शेड्यूल PDF मिलेगी आपको, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। तो चलिए 200 बेस्ट क्वेश्चन अपने करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जिन स्टूडेंट ने ये पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए एक रिवाइज के तौर पे होगा, और जिन्होंने पहले से क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए उनके लिए ये क्वेश्चन भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। चाहे SBI क्लरिकल मेंस का एग्जाम हो आपका, चाहे SBPU का एग्जाम हो, चाहे RBI असिस्टेंट मेंस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका UPSC, रेलवे, SSC, बैंक, सभी के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए जो अपना आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, WHO ने कोरोना वायरस प्रकोप के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा WHO ने। 2020 राष्ट्रीय खेलों के लिए जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा, गोवा करेगा। और इसके लिए जो शुभंकर है वो क्या है, रूबी गुला। और भारतीय तटरक्षक दिवस कब है, 1 फरवरी को। नेक्स्ट देखिए, मो ओब्रायन अंटार्कटिक महासागर के पार जाने वाला पहला बधिर व्यक्ति। मो ओब्रायन अंटार्कटिक महासागर के पार जाने वाला पहला बधिर व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वो फरीदाबाद हरियाणा में है, और इसका जो थीम राज्य है वो रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश। और सोफिया कैनिन महिला सिंगल के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम है उसके अंदर सोफिया कैनिन जो है उन्होंने महिला सिंगल जीता, जो अमेरिका की है सोफिया कैनिन। और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के, इन्होंने पुरुष सिंगल ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम का अवार्ड जीता। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे नाम आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका ब्रेस्ट फीडिंग और कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश। श्रीलंका जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नीति और कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है वो मुंबई में है, और इसका जो थीम है वो है पास्ट फॉरवर्ड। और पहली फ्रूट ट्रेन जो है वो आंध्र प्रदेश में चलेगी, पहली फ्रूट ट्रेन जो है वो आंध्र प्रदेश में चलेगी। और अजय बिसारिया जो है वो कनाडा में भारत के अगले ऊंचाई युक्त, कनाडा में भारत के अगले ऊंचाई युक्त कौन है, अजय बिसारिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में सबसे आगे जो स्टेट आ रहा है वो आ रहा है मध्य प्रदेश, यानी सबसे पहला या आगे जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश है, और 5,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, ICICI बैंक ने लॉन्च किया आई बॉक्स है जो ICICI बैंक ने लॉन्च किया अभी। और विनोद शुक्ला ने पहली मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता, पहली मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता, विनोद शुक्ला ने। ब्लू इज लाइक ब्लू ये इसकी बुक है। लखनऊ में विशाल रक्षा प्रदर्शनी डैप एक्सपो 2020 का आयोजन, और इसकी थीम क्या है, भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र लखनऊ में विशाल रक्षा प्रदर्शनी डैप एक्सपो 2020 का आयोजन हुआ है। शक्तिकांत दास इस वर्ष एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर, ये बैंकर मैगजीन की जो सूची है उसमें से एशिया का जो प्रशांत रीजन का सर्वश्रेष्ठ बैंकर है वो कौन है, शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर है। वहीदा रहमान को MP के किशोर कुमार 2018 सम्मान से किया जाएगा सम्मानित। कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल। प्रतिदिन 30 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है सरकार ने। दीपा मलिक चुनी गई भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष। और सबसे बड़ा जो मेला है ग्रामीण प्रौद्योगिकी का वो हो रहा है तेलंगाना में, और उसका नाम क्या है, अंत प्रज्ञा जो मेला है वो तेलंगाना में। और DIGCI की आपकी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने बीमा कवरेज को बढ़ाकर किया 5 लाख, यानी अब जो आपकी डिपॉजिट राशि है उसको 5 लाख कर दिया गया बढ़ा के, पहले शायद 3 लाख था, 5 लाख कर दिया गया, 5 लाख तक आपके जो है वो पैसे सेफ रहेंगे बैंक के अंदर। प्रधानमंत्री ने आगामी 5 वर्षों में $5 बिलियन रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा, रक्षा निर्यात का लक्ष्य है 5 वर्ष में $5 बिलियन। राखी एल्डर जो बराथलोन गेंद से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष के पराशरन, यहाँ पे 2-3 समितिज है तो उनके अलग अलग आपको याद रखने, इसमें कन्फ्यूज नहीं होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उसके जो अध्यक्ष है वो के पराशरन है। 2200 इंटरनेशनल सी फूड शो कोची में हुआ शुरू। 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में। कर्नाटक सरकार की जनसेवक योजना शुरू हो चुकी है। RBI करेगा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का समालन, और इसकी जो थीम है वो क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग के लिए। कच्ची जो स्टील है उसका दूसरा सबसे बड़ा इस्पात देश भारत है, और पहला इसका जो देश है वो कौन सा है, चाइना। कच्चा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात देश इंडिया, और पहला चाइना।
अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? धर्मसक्तु को, डॉक्टर एन एस धर्मसक्तु। मध्य प्रदेश गांवों की मैपिंग के लिए ड्रोन का करेगी इस्तेमाल। भारतीय सेना ने विकसित किया दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट। बुलेट प्रूफ हेलमेट दुनिया का पहला किसने किया? भारतीय सेना ने। और अभी जो सबरीमाला मंदिर है केरल का, उसके अंदर गहनों की सूची तैयार करने के लिए एक न्यायाधीश को वहां पर नियुक्त किया, जो कमेटी है उनके हेड है सी एन रामचंद्रन नायर। और भारत का जो पहला दिशा पुलिस स्टेशन है वो आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रम में ओपन हुआ है। और बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश ने आईसीसी जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ उसमें बांग्लादेश ने जीत लिया है, और जो इंडिया है वो उप विजेता है। और यहाँ पे 5 खिलाड़ियों को आईसीसी ने बैन किया है, जिसमें से 2 भारत के हैं, रवि बिश्नोई और अकाशी हैं, और 3 है जो वो बांग्लादेश के है। भारत वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में 40वें स्थान पर है। उड़ान जो सेवा है वो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट की गई? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पहली उड़ान योजना। एडीबी ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए 2 मिलियन डॉलर विधि को मंजूरी दी है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 मिलियन डॉलर की, और जो WHO है उसने 600 समथिंग कुछ मिलियन की इसने की है, तो वो WHO ने की है और ये एडीबी ने की, दोनों आपको याद रखनी है। कावेरी डाल्टा को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया जाएगा। तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई गवर्नेंस पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो मुंबई में होगा। और ऑस्कर अवार्ड 2020 जो है वो 92वां संस्करण था इसका, और बेस्ट फिल्म जो है वो पैरासाइट, और बेस्ट डायरेक्टर जो है वो इसी फिल्म के डायरेक्टर है बांग जून, उनको दिया जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच किया जाएगा संयुक्त सेना युद्धाभ्यास जो है अजय वारियर, उसका आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच किया जाएगा, और ब्रिटेन में ही होगा ये। ऑस्ट्रेलिया को प्रदान की गई आईसीसी वीमेन चैंपियंस ट्रॉफी 2020। आईओसी ने गोपीचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया सम्मानित। आईओसी ने जो गोपीचंद है बैडमिंटन कोच, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो त्रिपुरा में आयोजन किया जाएगा इसका। और भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो ऋषिकेश में। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान का नाम बदलकर रखा जाएगा अरुण जेंटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान। 33वां जो अफ्रीकी शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इथोपिया में, आदिस अबाबा में किया जाएगा। काम्या कार्तिकेय ने सबसे कम उम्र में माउंट एगगुआ चोटी पर फहराया तिरंगा। सबसे कम उम्र में काम्या कार्तिकेय ने। राष्ट्रीय जल सम्मेलन जो है वो भोपाल में होगा, मध्य प्रदेश में। और जलवायु पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा उसका मेजबानी करेगा केरल। और WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम दे दिया है कोविन 2019। भूजल अधिनियम 2020 भूजल स्तर गिरता हुआ भूजल स्तर देखे, जो भूजल अधिनियम 2020 लॉन्च किया वो यूपी सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया जाता है। और DRDO ने नई स्ट्राइक रेंज जो प्रानेस बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया, और इसकी जो रेंज है वो है 200 किलोमीटर। और एक मिसाइल पाकिस्तान ने भी बनाई है जिसकी रेंज है 600 किलोमीटर। वो आगे आने वाले क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। यूपी सरकार ने छात्रों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, और एक दामिनी महिलाओं के लिए भी जो स्टार्ट किया गया था जनवरी के अंदर वो भी यूपी सरकार का ही है। मास्टर कार्ड के जो CEO है वो माइकल मेवेक। मास्टर कार्ड के CEO कौन है? माइकल मेवेक। और मास्टर कार्ड के CEO कौन है ये आपको आंसर में बताना है। CEO तो माइकल मेवेक है इसके, और जो मास्टर कार्ड के अध्यक्ष है वो कौन है? अजय बंगा। जावेद पायम को किया जाएगा स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जादव पायम को। नीति आयोग और नास्कॉम ने स्कूलों में AI मॉडल्स को रोल आउट किसने किया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो है वो स्कूलों में किसने जो रोल आउट किया, वो नीति आयोग और नास्कॉम दोनों ने मिलकर किया है। HDFC बैंक ने इंडिगो के साथ ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक्सा ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो इंडिगो और HDFC बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है। Xiaomi जो है वो इस साल से जो GPS ने है उसको हटा रहा है अपने मोबाइल फ़ोन से, और जो नेविक है जो इसरो की तकनीक है इसको अपने फ़ोन में डाल रहा है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस साल से एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच में कि नेविक जो इसरो की तकनीकी है उसको Xiaomi अपने फ़ोन में दे रहा है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली सेवा लॉन्च की है अभी हाल ही में। और श्रीकर प्रसाद का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किया गया शामिल। JS खंडेरावा और वासुदेव कामत को राजा रवि वर्मा पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। और इसी के साथ जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है वो व्हाट्सएप से चैटबॉट करने वाली भारत की पहली कंपनी जो व्हाट्सएप के माध्यम से चैटबॉट करेगी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। RBI ने फ्लोटिंग ऋणों को बाहरी बेंचमार्क के साथ मध्यम उद्योगों से जोड़ने का दिशा निर्देश दिया। इंपॉर्टेंट रहेगा कौन से उद्योग? मध्यम उद्योग।
मवेशियों की देसी प्रजातियों पर अनुवांशिक अध्ययन कौन सी सरकार करेगी? महाराष्ट्र सरकार। और पूर्व आंतरिक परिषद की 24वीं बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में होगी। और प्रोटीन दिवस जो है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन में क्या है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? वुमेन इन साइंस। और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। आरबीआई ने बंधन बैंक को बिना अनुमति के नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने बंधन बैंक को बिना अनुमति के नई शाखाएं खोलने की जो है मंजूरी दे दी है। और नई दिल्ली में एआई पर रजिस्ट्रेशन सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। और जो लोसर महोत्सव है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य रहेगा मध्य प्रदेश। और यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस में, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। और यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड में पहला राज्य मध्य प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट और एसबीआई दिव्यांगों को जॉब ट्रेनिंग देने के लिए मिलाया हाथ। माइक्रोसॉफ्ट और एसबीआई बैंक ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वास्तुदेव नामक योजना लॉन्च की। इसमें जो आईआईटी कर रहे हैं, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं जो प्लस टू की बात होती है उनके लिए 10,000 रुपये हैं। और जो पॉलिटिकन की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 15,000। और जो स्नातकोत्तर कर रहे हैं उनके लिए 20,000 रुपये। तो ये भी आपको याद रखना है। एनपीसीआई ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया यूपीआई चलेगा जागरूकता अभियान। ये किसने किया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। मुंबई एयरपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी नियंत्रण सुविधा शुरू हो रही है। सबसे बड़ी नियंत्रण सुविधा कहाँ पे शुरू हो रही है? मुंबई एयरपोर्ट पे। 2022 की राष्ट्रीय निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप में की मेजबानी जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत, चंडीगढ़ में होगी इसकी। कृष्णा बोस का निधन हो चुका है जो कि है पूर्व लोकसभा सांसद। कृष्णा बोस का निधन हो चुका है जो कि पूर्व लोकसभा सांसद है। और कर्नाटक की एडलिन कैस्टिलो को पहनाया गया मिस दिवा यूनिवर्सल 2020 का खिताब। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 की घोषणा। उसकी सुपर 30 फिल्म जो है उसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और अभिनेता जो है वो ऋतिक रोशन। जिया राय ने बनाया खुले पानी में सबसे तेज तैरने का जो भी रिकॉर्ड है वो जिया राय ने बनाया। हाल ही में ये 11 साल की है। आईसीसी ने ओमानी खिलाड़ी अल्लू बलूची पर 7 साल का जो बैन है वो लगा दिया। अल्लू बलूची पर 7 साल का बैन जो ओमान के खिलाड़ी है उसने आईसीसी ने। भारतीय रेलवे स्टेशन विभाग ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर स्क्वाड मशीन का जो अभी लॉन्च किया है वहाँ पे इन्होंने, तो जो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट है वो वहाँ पे अगर आप 30 दंड लगाते हो तो वहाँ पे आपको फ्री में दिया जाएगा। तो ये वाली मशीन आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे लगाई गई है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के लिए जो नवाड है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे नवाड है, नवाड जो है नवाड बैंक ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी विकास के लिए मंजूर किए 400.64 करोड़ रुपये। तो नवाड ने जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी विकास के लिए मंजूर किए कितने रुपये? 400.64 करोड़ रुपये। पाकिस्तान ने एससीओ के रक्षा विशेषज्ञों की कार्यकारी समिति की बैठक की मेजबानी की। और ये बैठक जो है वो पाकिस्तान में कहाँ पे हुई है? इस्लामाबाद में। नीति आयोग असम में कर रहा है सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 का आयोजन। एसडीजी कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन जो है वो असम में हो रहा है, नीति आयोग इसका कर रहा है आयोजन। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में। और भारत का जो सबसे लंबा ब्रिज है उसका निर्माण भारतीय रेलवे कर रही है जो 100 मीटर लंबा है, कहाँ पे? मणिपुर में। अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे को प्रधानमंत्री का सलाहकार हाल ही में नियुक्त किया गया दोनों को। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में खोजा सोने का भंडार जिसमें 3,000 टन सोना मिलने की चांसेज है। तो ये अभी हाल ही में खोजा गया सोना का नया भंडार है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव सम्मेलन ये भी नई दिल्ली में है। और सुनील गुरबख्शनी को धनलक्ष्मी बैंक के CMD नियुक्त किया है हाल ही में। मनोज कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया। गोवा में किया जाएगा देश की पहली फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन। गोवा में किया जाएगा देश की पहली फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन। चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद में हुआ है। और पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल द्राड सेकंड जिसका सफर प्रशिक्षण किया गया 600 किलोमीटर इसकी रेंज है। और एक अपने इंडिया की जो मिसाइल है प्रानास उसका 200 किलोमीटर रेंज है। दोनों याद रखने आपको। भारत में 1 अप्रैल से इस्तेमाल किया जाएगा दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल और डीजल। हरियाणा सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है। 25 कैंटीन ऐसी हरियाणा सरकार खोलेगा। संजय कोटारिया जो वो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है जो 21 फरवरी को मनाया जाता है। भाषाओं की कोई सीमा नहीं इसकी थीम रहेगी। ESPN की फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर PV Sindhu। और रक्षा उपकरणों पर जो भारत का सेमिनार है वो कहाँ पे आयोजन है? बांग्लादेश के ढाका में। भारतीय रक्षा उपकरणों पर जो सेमिनार है वो बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन। रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है? त्रिपुरा में।
और भी सो सॉरी सामाजिक न्याय दिवस जो है वो 20 फरवरी को, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने हेतु असमानताओं को खत्म करना इसकी थीम रहेगी। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने हेतु असमानताओं को खत्म करना और सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। वाराणसी से चलने लगेगी काशी महाकाल एक्सप्रेस, तीसरी प्राइवेट ट्रेन रहेगी काशी महाकाल एक्सप्रेस, तीसरी प्राइवेट ट्रेन कहाँ से चलेगी? वाराणसी से। विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और राम मंदिर ट्रस्ट ने महंत नृत्य गोपाल दास को चुना अपना अध्यक्ष, और मंदिर निर्माण का निर्णय लेने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? नपेंद्र मिश्रा। ये तीन समिति अभी तक हो चुकी है तो इन तीनों को आपको याद रखना, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मंदिर निर्माण के लिए जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? नपेंद्र मिश्रा। और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। और एक और है जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से संबंधित है, उसके जो अध्यक्ष है वो के पराशरन है। बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट का खिताब जो है सचिन तेंदुलकर को मिला है, तो 2011 के अंदर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम का। और 65वें अमेजन फिल्म अवार्ड 2020 असम में हुए हैं, इसमें से बेस्ट फिल्म गली बॉय, बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह हैं, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। अशरफ गिनी ऑस्ट्रेलिया सॉरी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, अशरफ गिनी अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ब्रिटेन ने अंक आधारित वीजा प्रणाली की घोषणा कर दी है, नए अंक आधारित वीजा प्रणाली की घोषणा की है ब्रिटेन ने। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में है वो भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा हाल ही में घोषित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कई जो कैब यात्री है उनकी सुरक्षा के लिए उबर के साथ मिलाया हाथ, यानी यहाँ पे हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च की गई। दिल्ली पुलिस और उबर के साथ जो कैब यात्री उनको सुरक्षा देने के लिए हिम्मत प्लस ऐप किस की है? तो यह दिल्ली पुलिस की है। महिला गोल्फर मिक्की राइटर का हाल ही में निधन हो चुका है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी को मनाया जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। हरियाणा सरकार ने स्वर्ण पदक जो लोग जीत रहे हैं जो भी अलग अलग स्पोर्ट्स में, उनको 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, 6 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने। मनोहर पारकर के नाम पर बदला जाएगा रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम। अम्बाड़ा जो सिटी बस स्टैंड है उसका नाम रखा गया सुषमा स्वराज के नाम पर। तो ये भी जो नाम चेंज है ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे नाम अभी हाल ही में चेंज किए गए हैं, तो ये सारे नाम से आपको याद रखने हैं। सड़क सुरक्षा पर तीसरे मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? स्वीडन में। और काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी जो है वो पीएम मोदी ने किया था, इसका इनोग्रेशन कहाँ पे? वाराणसी में। गीता सेन ने प्रतिष्ठित डेविड पुरस्कार जीता है। और उदयपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? उदयपुर में। वित्त आयोग ने कृषि निर्यात पर उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। और केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ $450 मिलियन समझौता किया, ये भूजल योजनाओं के लिए समझौता किया गया विश्व बैंक के साथ केंद्र सरकार ने $450 मिलियन। दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशनों पर ऊर्जा तटस्थ स्थापित करने वाला देश का पहला जोनल बन चुका है, दक्षिण मध्य जोनल जो है वो ऊर्जा तटस्थ जो है रेलवे स्टेशनों पर स्थापित करने वाला पहला जो देश का जोन है वो दक्षिण मध्य। बायो एशिया समिट 2020 कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में। और इसकी थीम क्या है? टूडे फॉर टमोरो। गाजियाबाद में ऑटो रिक्शा के लिए ऑपरेशन नकेल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, ऑपरेशन नकेल। महाराष्ट्र सरकार ने 5 दिवसीय सप्ताह कार्यक्रम किया घोषित, यानी 5 ही दिनों का सप्ताह किसने रखा है? महाराष्ट्र सरकार ने। वडोदरा में मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी एनजी एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा चंदौली में लगाई जाएगी, इसका इनोग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया अभी। युद्धाबू मोबाइल ऐप जो है वो ड्रंक से निपटने के लिए केरल सरकार ने लॉन्च किया है। और हुनर हाट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसकी जो थीम है वो कौशल को काम। मनप्रीत सिंह ने जीता वर्ष 2019 FIH का प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब, मनप्रीत सिंह ने जीता वर्ष 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब। ब्रांड वैल्यू में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला जो बैंक है वो है इंडसइंड बैंक। और ब्रांड वैल्यू में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला जो देश है वो है चाइना। और भारत का इसमें कौन सा स्थान है वो आपको कमेंट करके बताना है। अगनपो हुनका कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है? मणिपुर में। अगनपो हुनका कार्यक्रम मणिपुर में। एयर इंडिया के जो CMD है वो राजीव बंसल और वित्त सचिव क्या कौन है? देवाशीष पांडे। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो भारत के रहने वाले जिनको हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है ऋषि सुनक। और सुषमा स्वराज के नाम पर 2 प्रमुख संस्थानों का नाम, प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा संस्थान। प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा संस्थान दो ऐसे नाम हैं जो सुषमा स्वराज के नाम पर रखे जाएंगे। मुंबई में स्थापित किया जाएगा भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क जो है वो मुंबई में होगा। और साउथ इंडियन बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कार में 2 पुरस्कार जीते हैं। जो पुरस्कार जो है वो एक पुरस्कार तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ भुगतान पहल जो कि साउथ इंडियन बैंक ने जीता है, दूसरा है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की श्रेणी में सबसे अधिक ग्राहक आकर्षित करने का भी जीता। दोनों पुरस्कार दक्षिण साउथ इंडियन बैंक और जिसका मुख्यालय रहेगा आपका त्रिशूर केरल में। अमित पंगाल जो है वो बॉक्सिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बन चुके हैं, तो ये याद रखना कि अमित पंगाल का खेल कौन सा? बॉक्सिंग।
सौरभ घोषाल और जोशना चैंपियन में नेशनल सेक्वेस चैंपियनशिप की जो 17वीं आयोजन सी अभी हुई थी उसको जीता इन्होंने। सेबी ने नगर पालिका वार्ड विकास समिति का गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन है? सुजीत प्रसाद। और इसका गठन किसने किया? सेबी ने। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने दिल्ली के। द क्रॉस फायर अभिनव कश्यप का उपन्यास, द क्रॉस फायर किसका उपन्यास है? अभिनव कश्यप का। इसरो के जी नारायण होंगे पीएसयू एनएसएल के प्रमुख, इसरो के जी नारायणन होंगे पीएसयू एनएसएल के प्रमुख। कोप 13 सम्मेलन जो है वो गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया जाएगा। और लातूर मेडिकल कॉलेज, लातूर मेडिकल कॉलेज जो कि महाराष्ट्र में है उसका नाम बिलासराव देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। लातूर मेडिकल कॉलेज जो कि जिसका नाम बिलासराव देशमुख के नाम पर रखा जाएगा, ये कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में। तो ये आपके 200 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फरवरी से, इनको अपने ने डिस्कस किया है। तो एक बार इस वीडियो का पूरा देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये 20 मिनट्स का एक वीडियो है, 20 मिनट का, इसमें आपका पूरा का पूरा मंथ कवर हो रहा है। इसको आप 2 से 3 बार देखिए तो आपके पूरे के पूरे मंथ के क्वेश्चन रिवाइज एंड याद हो जाएंगे, ताकि बार बार आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए बाद मैंने जो जीके का सोर्स आपको बता रखा है, तो आप वहाँ से जाके जीके के जितने भी जो भी मंथ का आपको चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हो। इसको एक बार आप सब्सक्रिप्शन लीजिए फुल ईयर का, 30 रुपये का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी आपको लगता है सजेशन इस वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट्स हो, या आपके जो भी सजेशंस हो, जो भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे आके भी पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।